Hello guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reactions. So guys, my name is Hassan Nasir and today's video title is Top 10 Richest Cricketers in India. वैसे तो हमें कहा जाता है कि यार क्रिकेट की दुनिया में जो richest लोग हैं, जो richest cricketers हैं, वो इंडिया से belong करते हैं because इंडिया में क्रिकेटर मतलब क्रिकेट को गोल्ड माना जाता है एक तरह से और सचिन तेंदुलकर उनके finest, one of the finest batsmen रहे जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है और उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया जाता है इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेस किया जाता है। इवन के पाकिस्तान में भी मेरे भी काफ़ी फेवरेट रहे हैं सचिन तेंदुलकर, वो भी काफ़ी रिचेस्ट बंदे हैं मतलब क्रिकेटर हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। उनके साथ साथ अगर हम बात करते हैं विराट कोहली के हवाले से, विराट कोहली अब इस टाइम अगर आप बात करेंगे इस टाइम के जो प्लेयर जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनमें टॉप फाइव में जो रिचेस्ट क्रिकेटर आएंगे उनमें आई थिंक सहरे फेरस अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली सहरे फेरस होंगे, नंबर वन पोजीशन में होंगे। तो गाइस आज देखते हैं कि कौन से वो क्रिकेटर्स हैं जो कि टॉप टेन में अपनी जगह बनाते हैं रिचेस्ट एज अ रिचेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमेशा काउंटिंग के साथ 3 2 1 स्टार्ट। क्रिकेट की दुनिया में कमाई के मामले में इंडियन क्रिकेटर्स हमेशा से टॉप पर रहे हैं। इंडियन टीम में कदम रखते ही क्रिकेटर्स के ऊपर पैसों की बरसात होने लगती है। बीसीसीआई की ओर से मिलने वाली सैलरी के अलावा आईपीएल और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी क्रिकेटर्स मोटी कमाई करते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इंडिया के 10 सबसे अमीर क्रिकेटर्स के बारे में जानते हैं। नंबर 10, गौतम गंभीर। 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले गौतम गंभीर क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, लेकिन क्रिकेट से उनका रिश्ता छूटा नहीं है और वो कमेंटेटर के रूप में आज भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। सबसे अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में गौतम गंभीर 10वें नंबर पर हैं। गंभीर का टोटल नेटवर्थ 147 करोड़ रुपए है। इसमें से उन्होंने 94.6 करोड़ रुपए अकेले आईपीएल से ही कमाए हैं। नंबर 9, रोहित शर्मा। रिचेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स की लिस्ट में 160 करोड़ रुपए के टोटल नेटवर्थ के साथ रोहित शर्मा 9वें नंबर पर है। बीसीसीआई की ओर से इन्हें A+ कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिससे इन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा इन्हें पर टेस्ट मैच 15 लाख रुपए, पर ODI 6 लाख रुपए और पर T20 3 लाख रुपए मिलते हैं। मुंबई इंडियंस की ओर से इन्हें पर सीजन 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में रोहित शर्मा 74.49 करोड़ रुपए एनुअल इनकम के साथ 3रे नंबर पर हैं। नंबर 8, राहुल द्रविड। टीम इंडिया की दीवार राहुल द्रविड ने अपने 16 साल लंबे क्रिकेट करियर में दर्जनों रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। रिचेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स की लिस्ट में द्रविड़ 8वें नंबर पर हैं। इनका टोटल नेटवर्थ 172 करोड़ रुपए है। इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होने के बाद द्रविड़ आज कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। द्रविड़ की कमाई का बड़ा जरिया कोचिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट्स है। NCA का हेड होने की वजह से उन्हें हर महीने 60 लाख रुपए मिलते हैं। U19 और इंडिया ए का कोच के पद पर होने की वजह से उन्हें हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। कोच भी बनने वाले हैं। नंबर 7, सुरेश रैना। सुरेश रैना इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बावजूद सुरेश रैना आज भी हाईएस्ट पेड क्रिकेटर्स के लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हैं। वहीं 185 करोड़ के टोटल नेटवर्थ के साथ रैना रिचेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स की लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। रैना आईपीएल से अब तक 110.74 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं। इनकी सालाना कमाई 22.34 करोड़ रुपए है जिसमें से 11 करोड़ इन्हें CSK की ओर से मिलते हैं। इनकी कमाई का अदर सोर्स ब्रांड एंडोर्समेंट्स है। नंबर 6, युवराज सिंह। सिक्सर किंग युवराज सिंह अपने दौर में टीम इंडिया की जान हुआ करते थे। टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले युवराज सिंह का टोटल नेटवर्थ 255 करोड़ रुपए है। युवराज ने आईपीएल से 84.6 करोड़ रुपए की कमाई की है। अपने करियर के पीक पर युवराज दर्जनों ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट किया करते थे जिससे इन्हें तगड़ी कमाई होती थी। फिलहाल युवराज की कमाई का मेन सोर्स इन्वेस्टमेंट्स है। नंबर 5, वीरेंद्र सहवाग। नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग कमाई के मामले में भी नवाब हैं।
क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले सहवाग का टोटल नेटवर्थ 286 करोड़ रुपए है। इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होने के बाद सहवाग की कमाई का जरिया टीवी कमेंट्री और क्रिकेट कोचिंग है। उन्होंने हरियाणा में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल भी खोल रखा है। इसके अलावा कई कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, जिससे उनके नेटवर्थ में इजाफा होता रहता है। एग्जैक्टली। नंबर 4, सौरभ गांगुली। यार ये भी बहुत प्रिंस ऑफ बंगाल बहुत जबरदस्त प्लेयर कमाई के मामले में किंग है। गांगुली दादा के नाम से मशहूर गांगुली का टोटल नेटवर्थ 365 करोड़ रुपए है। कोलकाता के महल नुमा घर में रहने वाले गांगुली लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। गांगुली फिलहाल BCCI प्रेसिडेंट है, लेकिन आज भी इनकी कमाई का बड़ा जरिया ब्रांड एंडोर्समेंट्स है। BCCI प्रेसिडेंट होने की वजह से इनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी बढ़ चुकी है। गांगुली ISL टीम ATK मोहन बागान के को ओनर भी हैं। नंबर 3, विराट कोहली। विराट कोहली वर्तमान समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर हैं। वहीं रिचेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स की लिस्ट में वो तीसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली का टोटल नेटवर्थ 770 करोड़ रुपए है। BCCI की ओर से इन्हें A+ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिससे इन्हें हर साल 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। IPL में पर सीजन सबसे ज्यादा पैसे कोहली को ही मिलते हैं। RCB की ओर से इन्हें हर साल 17 करोड़ रुपए मिलते हैं। कोहली की सालाना कमाई 208.56 करोड़ रुपए है। इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है। नंबर 2, MS धोनी। टीम इंडिया को सभी ICC ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में पहले नंबर पर थे। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बावजूद आज भी वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। वहीं रिचेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स की लिस्ट में भी वो दूसरे नंबर पर हैं। धोनी का टोटल वर्थ 785 करोड़ रुपए है। IPL और ब्रांड एंडोर्समेंट से धोनी हर साल 108.28 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। धोनी का अपना कई बिजनेस भी है। ISL टीम चेन्नई NFC में भी उनकी हिस्सेदारी है। नंबर 1, सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की दुनिया में एक छत्र राज करने वाले सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे अमीर क्रिकेटर होने के साथ ही दुनिया के भी सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। सचिन का टोटल नेटवर्थ लगभग 1100 करोड़ रुपए है। सचिन ISL टीम केरला ब्लास्टर्स के को ओनर हैं। इसके साथ ही बैडमिंटन टीम बेंगलुरु ब्लास्टर्स के मालिक भी सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन आज भी कई ब्रांड्स का चेहरा बने हुए हैं, जिससे इनकी अच्छी खासी कमाई होती है। आपके अनुसार कोहली के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाला क्रिकेटर कौन हो सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सो गाइज, यहाँ पर वीडियो होती है एंड तो हमने देखा कि कैसे मतलब इंडियन क्रिकेटर्स हैं, उनकी जो उनको जो पैसे दिए जाते हैं, पेमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा दी जाती है। और आई थिंक वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान उनको ज़्यादा वैल्यू भी दी जाती है उनके प्लेयर्स को। और अगर वो प्लेयर बहुत अच्छा लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनको काफ़ी मतलब ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाता है, स्पॉन्सरशिप्स भी मिलती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं, फिर उसके बाद वो क्रिकेट के ज़रिए, IPL के ज़रिए, लीग्स के ज़रिए भी काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं। तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा जो है वो आने वाले दिनों में काफ़ी रिचेस्ट बंदे बन जाएंगे आफ्टर कोहली। मेरे ख्याल में इन्होंने जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से जो मैंने प्रेडिक्ट किया है, रोहित शर्मा वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन इंडिया, इंडियन क्रिकेट टीम, तो आई थिंक वो टॉप 3 पर आ जाएंगे आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार कि जो प्रीमियर लीग्स होती हैं उसके अंदर यार इतना मतलब कमाते हैं, और विराट कोहली की इतनी 17 करोड़ रुपीज़ उनको मतलब दिए जाते हैं पूरे सीज़न में IPL में ना। तो RCB की तरफ से ही खेलते हैं, और मुझे सबसे हैरानगी की बात रही सुरेश रैना के वाले से। सुरेश रैना वो क्रिकेटर है जो काफ़ी 3-4 साल हो गए जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नज़र नहीं आते, बट वो यार इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। उनका कमाई का जरिया उन्होंने बताया ब्रांड एम्बेसडर, दूसरा वो IPL में भी हिस्सा लेते हैं एज ए चेन्नई किंग के प्लेयर के हिसाब, एज ए चेन्नई प्रीमियर चेन्नई आई थिंक CSK इनका नाम है तो उस टीम का, तो उसके प्लेयर हैं और उनको मतलब काफ़ी इनकी डिमांड है। तो यार मुझे अगर मैं रिस्पेक्ट दूँ ना, अगर मेरे दिल से जो रिस्पेक्ट निकलती है जिस क्रिकेटर के लिए, वो विराट कोहली और सौरभ गांगुली।
सौरभ गंगोली और विराट कोहली के ऐसे प्लेयर हैं जो कि फेयर और अनबायस्ड हैं। आप जब भी इनकी इंटरव्यू सुने, जब भी ये क्रिकेट खेलते हैं, फाइनेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और इवन के इनके पाकिस्तान के साथ भी जो कलकलिश नहीं चलती है, बस कहते हैं कि यार क्रिकेट क्रिकेट होती है। ये दोनों देशों को मतलब इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा करती है। बट कुछ क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान की जानब से भी, इंडिया की जानब से, जो कि इस कलपलिश को जारी रखना चाहते हैं। बट विराट कोहली और सौरभ गंगोली का जब भी मैंने इंटरव्यू सुना है पाकिस्तान के साथ, या मतलब कमेंट्री में या आफ्टर द मैच, तो उनकी बहुत पॉजिटिव इंटरव्यू होते हैं, इवन आफ्टर विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान या एनी अदर टीम। ठीक है, तो रिस्पेक्ट इन दोनों क्रिकेटर्स के लिए मेरे अंदर बहुत है। और अगर हम कहेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में जो फाइनेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, वो है, मुझे जो लगता है वो है राहुल ड्रैविड। राहुल ड्रैविड की जो क्रिकेट थी ना गाइस, मैंने देखी है, मुझे पर्सनली मुझे उनकी क्रिकेट काफ़ी पसंद थी। वो टेस्ट मैचों में अगर खड़े हो जाते थे गाइस, उनको आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। बट अब मुझे सुनने में आ रहा है कि राहुल ड्रैविड हेड कोच बनेंगे इंडिया के, तो गाइस काइंडली कन्फर्म कर दीजिएगा। तो मैंने सुना है, तो देखते हैं यार क्या बनता है इंडिया का फ्यूचर। तो गाइस यहाँ पर वीडियो इख्तिताम करते हैं, एंड करते हैं, देखते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। अभी रिसेंट दो मैचेस इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीते हैं। अब इसके बाद अब देखते हैं पॉइंट्स के हिसाब से वो कैसे अपने आप को स्टेबल करते हैं। 5 मैचेस हुए, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से जीते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान से हारे हैं, फिर उसके बाद इन्होंने नमीबिया को शिकस्त दी है। देखते हैं अब यार क्या बनता है। तो गाइस ये अब तक के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।